हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे थॉर के बारे में। तो एवेंजर एंड गेम के बिग स्पॉट टीवी में हमें थॉर थोड़ा भटकती हुई जगह दिखाई गया। जैसे कि हमारा एवेंजर में टोनी परेशान है, ऐसे ही थॉर सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि थॉर अकेला पड़ गया और उसके साथ और उसके कोई भी टीम का मेंबर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो उसके साथ थॉर रैग्नारोक में बच गए थे, वो आधे से ज्यादा लोग मारे गए। तो इस टीवी स्पॉट में रॉकेट और थॉर एक मिशन पे निकले हुए हैं लोगों को ढूंढने के लिए। तभी हाल ही के अपडेट से ये पता चला कि थॉर और रॉकेट एक साथ निकले हुए हैं आइसलैंड में और नॉर्वे में। जी हाँ, देन अगर आपने नोटिस करा होगा तो थॉर एक्चुअल में टाइटन 2 प्लेनेट में नहीं है, जैसा कि काफी फैंस सोच रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से ये टाइटन 2 प्लेनेट नहीं है, ये है नॉर्वे और एक आइसलैंड जगह। ये दोनों जगह जाएंगे जहाँ पर वो सर्च करेंगे और बचे हुए एवेंजर्स को या गार्डियंस को, या फिर जैसा कि आपने देखा था कि जैसे पहले थॉर और रॉकेट एक साथ गए थे, तो पॉसिबिलिटी वो टाइटन 2 प्लेनेट नहीं है, वो है नॉर्वे। तो थॉर अभी और भी कई जगह जा रहा है जहाँ पर उसे और भी लोग मिले, जैसे वेलकरी एग्जाम्पल। तो पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है। तो देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा शॉर्ट बाय शॉर्ट कैटेगरी का ब्रेकडाउन भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो कल मैं उसी वीडियो पर वर्क करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पे स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।